दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मैनेजमेंट गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैनेजमेंट गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड हैंड मोबाइल बेचना या तो यूज्ड मोबाइल बेचना क्या। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस हमेशा लाते रहता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने के बिजनेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं से मोबाइल परचेस कर रहे हैं अपने शॉप में मोबाइल सेलिंग के लिए, तो जहाँ से भी आप मोबाइल खरीद रहे हैं, जिस भी सेलर से, जिस भी होलसेलर से, तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि वो जो सेलर है, क्या वो सेलर ऑथराइज सेलर है, वो बहुत दिनों से ये बिज़नेस कर रहा है, क्या उसके बैकग्राउंड है, क्या उसकी हिस्ट्री है, ये सभी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल जहाँ से परचेस कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि वो जो हैंडसेट रहेगा उस हैंडसेट के जो बिलिंग डिटेल्स है, या तो फिर उसका ओरिजिनल चार्जर, या तो उसकी बॉक्स जो कि कंपनी के साथ आता है, और बॉक्स के साथ जो IMEI स्टिकर लगे हुए होते हैं, उसी जो भी आपका मोबाइल रहेगा वही IMEI नंबर का स्टिकर उस बॉक्स पर ही लगा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा आप कहीं से बॉक्स पैक अगर हैंडसेट आप लेते हैं, तो कस्टमर इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कस्टमर को ऐसा पता चलता है कि ये कोई चोरी का मोबाइल हो नहीं सकता। अगर चोरी का मोबाइल है तो इसके साथ बॉक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी बातें होती है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि उस मोबाइल के एक्सेसरीज जो है वो जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, और जो बॉक्स है वो भी रहे तो अच्छी बात है। दोस्तों अगर आप किसी सेलर से खरीद रहे हैं आईफोन वगैरह या तो फिर सैमसंग वगैरह, तो ऐसे बहुत से कंपनीज़ है जो कि ये जो मोबाइल है ये कब एक्टिव हुए हैं, तो IMEI नंबर से जो है इनकी वारंटी का पता चलता है। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं वहाँ उस मोबाइल का जो है आप वारंटी ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेलर्स लोग बोलते हैं कि ये जो मोबाइल है ये अभी 3 महीना यूज़ किया है, 2 महीना यूज़ किया है, आप बेच डालो। तो ऐसा नहीं होता है, आप इस चीज़ की आप कन्फर्म एक बार पहले कर लो, तभी ये आपको बेचने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों उस मोबाइल का अगर ओरिजिनल बिल है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उस डायरेक्टली जो जिसने भी ये बेचा है तो उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये मोबाइल आपके पास का ही है या नहीं। क्योंकि आप देखिए आज बहुत से फर्जी बिल्स भी मिलते हैं, लोग फर्जी बिल्स भी मेक कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और हमें मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कोई MI नोट 4 आप ख़रीद रहे हैं Xiaomi का, और Xiaomi का नोट 4 समझ लीजिए वो है 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला कोई सेकेंड हैंड मोबाइल है, जो कि 6 महीना यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वो ऑनलाइन में मिलता था 10,000 रुपये में, तो 10,000 रुपये का जो हैंडसेट है जिसकी आज प्राइस है 10,000 रुपये, और वही मोबाइल अगर 6 महीना यूज़ किया है तो वो कितने में बिकेगा, तो इस बात का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा आप ट्राई कीजिए कि अगर आउट ऑफ वारंटी अगर कोई मोबाइल है तो उसके 30-40% ही आप उस चीज़ के पैसे लगाइए। समझ लीजिए, आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर 10,000 रुपये का कोई मॉडल है और वह आउट ऑफ वारंटी है, अभी उसकी वारंटी नहीं है, तो आप उस चीज़ को 3,000 से 4,000 रुपये तक खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर वह वारंटी में है, अभी 3-4 महीने वारंटी उसका बाकी है, तो आप उस मोबाइल को 5,000 रुपये से 6,000 रुपये तक भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उस हैंडसेट के कंडीशन पर, ठीक है। ये भी बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं आपको बोल दूँ कि आपका 3,000 रुपये में ले लीजिए, 4,000 में ले लीजिए, और उसका जो है बॉडी वगैरह ख़राब है, टच स्क्रीन वगैरह का टूटा फूटा है, कहीं वर्क नहीं कर रहा है, तो ये भी बातें बहुत सी होती है। जब भी हम मोबाइल फ़ोन किसी होलसेलर से ख़रीदते हैं तो हमें एक बात और देखना ज़रूरी है, वो है मोबाइल का डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले में आपको कहीं लाइन दिखती है या तो कहीं ब्लैक स्पॉट वगैरह है, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर्स आपको बोलते हैं कि इस मॉडल की वारंटी है, और वो आपको चेक करके भी बता देंगे ऑनलाइन पोर्टल पर कि इसकी वारंटी अवेलेबल है, लेकिन ऐसा होता है कि उस हैंडसेट का जो है बाहर कहीं रिपेयर किया होता हुआ होता है, समझो अगर स्क्रीन उसका टूटा हुआ है, ठीक है, तो कस्टमर ने बाहर से कहीं से स्क्रीन उसका रिप्लेसमेंट कर लिया है, तो अभी तो उसकी वारंटी नहीं रही, लेकिन आपको पोर्टल पर तो बता देगा कि इसकी वारंटी है। तो
फिजिकली कंडीशन क्या है इस उस सेट की, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, कैसे बारीकी से आपको समझ में आ सकता है कि ये डिस्प्ले डैमेज है या तो इसको या ये जो डिस्प्ले है ये चेंज किया हुआ है। तो ये जो है दोस्तों ये स्किल की बात है, जैसे ही मैंने आपको पहले कहा कि ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना भी इस बात में ज़रूरी है। और दुकानदार को समझना चाहिए कि ये जो मोबाइल है ये इसे कहीं खोला हुआ है या नहीं, यानी कि इसे कंपनी पर रिपेयर किया है, अगर कंपनी में इससे पहले रिपेयर किया है तो उसे सील रहेगा, ठीक है। अगर कंपनी में रिपेयर नहीं किया है, किसी अनऑथराइज पर्सन ने उस मोबाइल को रिपेयर किया है, तो उसके स्क्रू वगैरह जो है वो इससे पहले कहीं निकाले है या इसे इस मोबाइल को पहले कभी रीअसेंबलिंग किया है, असेंबल किया है, तो ये सभी जो बातें हैं दोस्तों ये आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी आप किसी होलसेलर से सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी आपका होलसेलर है वो आपके उससे अच्छे संबंध होना चाहिए, और उस होलसेलर से आप भले ही सेकेंड हैंड यूज्ड मोबाइल खरीद रहे हैं लेकिन फिर भी उससे आपने बिल लेना ज़रूरी है। अगर कल चल के कुछ कोई हैंडसेट का कोई ट्रेस हो जाए या तो चोरी का है और आप पर कंप्लेंट आ जाए, पुलिस लोग आपके पास आ जाए, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना ज़रूरी है कि ये जो मोबाइल है ये मैंने किसी दुकान से ख़रीदा है, ठीक है। तो ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी 2000 रुपये का भी अगर आप मोबाइल ख़रीदते हैं, सेकेंड हैंड भी है, फिर भी आपको उसके साथ इनवॉइस लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप मोबाइल सेकेंड हैंड या तो यूज़ मोबाइल बेचते हैं, सेल करते हैं अपने शॉप से, तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे कि ये जो मोबाइल है मेरा ये मुझे बेचना है, या तो इसके बदले आप मुझे रिप्लेस वाला दूसरा कोई मोबाइल दीजिए। तो मैंने आपको पहले भी जैसे कहा कि अगर कोई आपके पास ऐसा मोबाइल बेचने के लिए आता है तो आप उससे बॉक्स की मांग करें, ठीक है। जो भी उस हैंडसेट के साथ जो भी बॉक्स रहेगा कंपनी वाला जिस पर IMEI स्टिकर वगैरह हुआ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार अगर उस पर IMEI स्टिकर नहीं है लगा है तो कोई तो दूसरा कोई बॉक्स लेके आएगा और इसी मोबाइल का है ऐसा आपको बताएगा और आपको बोलेगा कि भाई ये तो मैंने यहाँ ऐसे लिया था और ये इसके ओरिजिनल जेन्युइन एक्सेसरीज है और ये आप खरीद लो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये चोरी के मोबाइल हो सकते हैं या तो होते भी नहीं है, लेकिन आपने डाउट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे कोई आपको बताने के लिए कि इसे रिप्लेस कर दीजिए या तो मेरा हैंडसेट लीजिए तो वो पूरे चोरी के ही है या तो डाउटफुल ही है, लेकिन आपको ये सभी बातें आपके दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कमाएंगे 500 रुपये 1000 रुपये लेकिन आप पर शायद कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए उस चीज़ का तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा आपको। इसलिए सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए बहुत से लोग हैं जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, हमेशा प्रेफर करते हैं कि न्यू फ़ोन ही बेचे। तो दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड हैंड मोबाइल भी बेच सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको ये बातें कही है ये सभी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत केयरफुली आपको ये सभी काम करना है यूज्ड फ़ोन बेचने का। और एक बार मैं आपको एक बात रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप ये बिज़नेस बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहली बात, अगर आपको मोबाइल शॉप या तो रिपेयरिंग के बारे में अगर बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ये मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह के बारे में, तो आप ये बिज़नेस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सेकेंड हैंड या तो यूज्ड मोबाइल जो है ये जो भी रिपेयर करता है जो भी बंदा उस शख्स को बहुत ही अच्छी तरीके से वो पहचान सकता है जल्दी से कि ये जो मोबाइल है वो कैसे डैमेज हुआ है, नहीं है, इसका डिस्प्ले चेंज हुआ है, नहीं है, इसके स्क्रूज वगैरह असेंबल किए हैं, नहीं है, ये सभी जो बातें हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपको रिपेयरिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रिपेयरिंग का नॉलेज है, मार्केट का भी नॉलेज है और आपको पता है कि ये जो सेट है मोबाइल है ये लास्ट कब क्या रेट में बिका था मार्केट में और ये मार्केट में चलने वाला है, नहीं है, 4G है, 3G है, ये सभी का नॉलेज आपको प्रॉपर होना ज़रूरी है तभी ये बिज़नेस करे, नहीं तो आपके बिज़नेस से आपको घाटा ही होगा। ये बात तो मैं आपको सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा नॉलेज रखिए, नॉलेज लीजिए और फिर ही ये बिज़नेस कीजिए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको यूज्ड मोबाइल के सेलिंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी है। अगर आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए टेक वीडियोज़ हमेशा लाते रहता हूँ। नमस्कार।
दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मैनेजमेंट गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।